हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल इटालियन एसएपी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएपी में करेंसी कन्वर्जन सेटिंग का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली करेंसी कन्वर्जन सेटिंग होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं एज फॉर हाना में बेसिकली, कि किस तरह से करेंसीज मल्टीपल करेंसीज में काम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करेंसीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो करेंसी सेटिंग की मैंने बात कही, तो सबसे पहले जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक कंपनी है एचपी। एचपी एक ग्रुप है, ओके, एचपी ग्रुप है और उस वो डील करता है मल्टीपल कंट्रीज में। इट्स अ मल्टीनेशनल ग्रुप और उसकी अलग अलग कंट्रीज में अपने लीगल एंटिटीज हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंपनी कोड्स। ओके, तो कंपनी कोड्स पर्टिकुलर जैसे इंडिया में है तो इंडिया का कंपनी कोड्स एचपी इंडिया लिमिटेड, ऐसी एचपी यूएसए, एचपी सिंगापुर। तो ऐसी अलग अलग लीगल एंटिटीज हैं जिसके थ्रू कंपनीज अपनी लोकल रिपोर्टिंग मेंटेन करता है। लेकिन अगर कंपनी को अपना ग्रुप लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ भी बैलेंस चेक करना है, तो उसके लिए हमें ग्रुप लेवल पे भी कि हमें ट्रांजेक्शन इस तरह से करनी है कि हमारी जो रिपोर्टिंग है ग्रुप लेवल पे भी साथ के साथ मेंटेन हो। तो लाइक सपोज ग्रुप लेवल पे जो हमारी करेंसी है वो डिफरेंट होगी, लोकल करेंसी हमारी डिफरेंट होगी और डॉक्यूमेंट करेंसी हमारी डिफरेंट होगी। जैसे इसमें मैंने बताया है डॉक्यूमेंट करेंसी कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट करेंसी इज द करेंसी दैट इज अप्लाइड फॉर द डॉक्यूमेंट्स। ओके, डॉक्यूमेंट करेंसी वो करेंसी होती है जिसपे हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। ये कोई भी करेंसी हो सकती है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके अलावा होती है लोकल करेंसी। लोकल करेंसी इज अ कंपनी कोड करेंसी, ओके, जिसमें डॉक्यूमेंट हमें जनरेट करना होता है। तो लोकल करेंसी जो हम कंपनी कोड बनाते समय डालते हैं वो क्या होती है, हमारी लोकल करेंसी। जैसे इंडिया में है तो इंडिया की लोकल करेंसी क्या है, INR। ओके, उसके अलावा होती है ग्रुप करेंसी। ग्रुप करेंसी डिफाइंड एट क्लाइंट लेवल, ये क्लाइंट लेवल पे डिफाइंड होती है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन सैप। जब हमारा सैप इंस्टॉल होता है तो उस समय कंपनी जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप की है, लाइक एचपी यूएसए डॉलर में ग्रुपिंग देखती है, ग्रुप जो इसकी ग्रुप करेंसी है वो क्या है, सपोज डॉलर है। तो क्लाइंट लेवल पे ये करेंसी हमारी डिफाइन हो जाएगी, ग्रुप करेंसी डॉलर। तो ये तीन करेंसी मेन है। किसी भी अगर आप रियल टाइम में भी करोगे काम, कहीं भी करोगे, तो मोस्टली तीन करेंसीज में काम होता है। मेन करेंसी लोकल करेंसी होती है और ग्रुप करेंसी ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए होती है। दो करेंसी मेंटेन है और डॉक्यूमेंट करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं। तो इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाया है। एग्जांपल क्या है, जैसे कुछ ट्रांजेक्शन हमने करी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल कितने से है, 5 लाख से। ओके, तो जैसे मैंने हटा दिया इसको, अब बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ तो कितना है, 5 लाख से। ओके, ऐसी परचेज गुड्स किया है, परचेज टू कैश 60,000 INR में, सोल्ड कराए गुड्स कैश टू सेल 80,000 INR। ओके, पेड रेंट, रेंट टू कैश 25,000 INR, पेड सैलरी इन कैश, सैलरी टू कैश 10,000 AED। अब हम किसी एम्प्लॉय को एक सैलरी पे करते हैं बट वो आउट ऑफ कंट्री है। ओके, तो हमने ये डॉक्यूमेंट जो पोस्ट किया वो किसमें करा है, AED में। AED मतलब ये क्या है, हमारी दुबई की करेंसी, यूनाइटेड अरब। तो इसमें हमें अब डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, तो ये क्या होगी, बेसिकली डॉक्यूमेंट करेंसी जिसमें हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे। इसके अलावा कमीशन रिसीव हुई है कैश में, ये भी हमारी AED में हुई है। या और कोई ट्रांजेक्शन हो सकती है जो आप किसी और करेंसी लाइक AUD, वट एवर, मल्टीपल करेंसीज है। तो जिस भी करेंसी में आप डॉक्यूमेंट पोस्ट करोगे वो क्या होगी, आपकी बेसिकली डॉक्यूमेंट करेंसी। ओके, अब करना क्या होता है, जो भी हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं वो ठीक है, अगर मैं इसका टोटल करता हूँ डॉक्यूमेंट करेंसी के अकॉर्डिंग, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 6,90,000 रुपये। बट ये अकॉर्डिंग टू लोकल करेंसी गलत है, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है ये INR में है बट ये जो दो ट्रांजेक्शन है किसमें, AED में। तो फर्स्ट हमें इन दो ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, INR में। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है लोकल करेंसी में,
तो इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, ओके, जो भी हम एक्सचेंज रेट देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अब ये तो सेम ही INR है, लोकल करेंसी भी INR है, तो इसको हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इसकी 10,000 की AED। अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है हमें INR में। तो इसके लिए हमें रिक्वायर होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आपको पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट चेंज होते रहते हैं। जैसे करंट का अगर मैं बात करूं AED टू INR 22, ऐसी अगर मैं रिवर्स कर दूं INR टू AED 0.05, अगर आप AED से INR में कन्वर्ट कर रहे हो तो 22 रुपये, मतलब एक AED की जो वैल्यू है INR में 22 रुपये है, और एक INR की AED में वैल्यू है 0.05। ओके, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन होगी और इसमें क्या होगा, डिवाइड। ऐसे होता है USD टू INR, लाइक सपोज 81 का रेट चल रहा है और INR टू USD, ये आप मेंटेन करते हो OB08, ये अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसको आप गूगल भी कर सकते हो कि USD टू INR कितना है, या AED किसी भी करेंसी का, वो वहां पर आपको शो कर देगा। तो अब हमें निकालना है AED टू INR, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ AED में हुआ है, और हमें निकालना है किसमें, INR में। तो AED टू INR निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि INR टू AED निकालना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22 से, तो ये निकल जाएगा और ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं INR का टोटल करता हूं, तो अब अगर मैं लोकल करेंसी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वैल्यू चेक करता हूं, तो ये ठीक है, क्योंकि तो हमने जो हमारी डॉक्यूमेंट करेंसी है उसको कन्वर्ट कर दिया किसने, INR। ऐसी अगर मैं बात करूं, अब मुझे, अब हमने डॉक्यूमेंट करेंसी को लोकल करेंसी में ट्रांसफर कर दिया, बट अब हमें ग्रुप लेवल पर रिपोर्टिंग देखनी है, तो लोकल करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ग्रुप करेंसी में। तो ग्रुप करेंसी क्या है हमारी, USD, US डॉलर। तो उसके लिए हमारे को एक्सचेंज रेट क्या रिक्वायर्ड है, इसमें क्या है, तो इसमें हमारा एक्सचेंज रेट क्या है, USD टू INR 81 और INR टू USD 0.012। अब इसमें क्या है कि हमारी जो करेंसी है, जो हमारी ये वैल्यू है INR में, INR से हमें USD में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल, इसमें हम करेंगे डिवाइड। ओके, डिवाइड किससे कर देंगे, 81 से, तो हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप फॉरेन करेंसी में लोकल करेंसी में ट्रांसफर कर रहे हो तो मल्टीप्लाई, और लोकल करेंसी को फॉरेन में कर रहे हो तो डिवाइड। ओके, आप इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये इसका, अब ये ग्रुप करेंसी के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है USD में, ये INR में। ओके, ये हमारी, तो ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट करेंसी, लोकल करेंसी एंड ग्रुप करेंसी कन्वर्जन। तो इसको हम सिस्टम में मैप करके पूरा प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरह से ये होता है। हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे, पूरा चेक करेंगे अपनी रिपोर्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल बैलेंस, ये पूरा हम चेक करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए हम SAP में आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप SAP FICO, S/4HANA, SAP MM, SAP FD का कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोर्स पेज पे आएंगे, यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक FICO, MM, SD, S/4HANA फाइनेंस, और ये पैकेज भी है जिसमें आप कॉम्बो ले सकते हो। तो जिस भी पर्टिकुलर कोर्स पे आप क्लिक करोगे, उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, आप इस पर क्लिक करोगे, उस पर्टिकुलर कोर्स सेक्शन में कितनी वीडियोज है, कितने टाइम की है, वो सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। बाय करना है तो ऐड टू कार्ट करके आप बाय कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप कॉन्टेक्ट अस कर सकते हो यहाँ से हमें। तो अब हम आते हैं SAP में, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अब आते हैं SAP में, SAP में हम आ चुके हैं। सबसे पहले हमें करेंसी कन्वर्जन सेटिंग के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। तो SPRO में आएंगे, SAP रेफरेंस ING में। कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ हम अपने कोर्स में पढ़ा चुके हैं। तो हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, लेजर्स एंड डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर करेंसी, इस पर हम क्लिक करेंगे, स्कोप क्या कर देंगे। अब जो हमारा लीडिंग लेजर है वो क्या है, 0L, 0L पे हम, इस पर हम सिलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे, और यहाँ से अपना कंपनी कोड सिलेक्ट करेंगे, हमारा है HP21। ठीक है, HP21 आ रहा है, इसको ओके करेंगे। अब इसमें आगे देखिए दो करेंसी डिस्प्ले हो रही है,
एक है कंपनी कोड करेंसी, जो हमने कंपनी कोड बनाते समय डाली थी, ये हमारी है ग्रुप करेंसी यूएस डॉलर, ये SEC-4 में डिफाइंड है और हमारे कंट्रोलिंग एरिया में डिफाइंड है, तो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ रहा है सोर्स करेंसी, मतलब डॉक्यूमेंट करेंसी जो है कंपनी कोड करेंसी की सोर्स करेंसी क्या है, 00। 00 कौन सी करेंसी होती है हमारी, डॉक्यूमेंट करेंसी। और जो ग्रुप करेंसी की सोर्स करेंसी वो क्या है, कंपनी कोड करेंसी। 10 क्या होती है हमारी, कंपनी कोड करेंसी, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि डॉक्यूमेंट करेंसी कन्वर्ट होती है लोकल करेंसी में, लोकल कन्वर्ट होती है ग्रुप करेंसी में, ठीक है वही चीज। तो ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, इसको देखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, करेंसी कन्वर्जन सेटिंग ग्लोबल, यहाँ पर आपको डिफाइन करना होता है। तो हमारी कंपनी है HP 21, तो देखिए यहाँ पर क्या डिफाइंड है कि जो ग्रुप करेंसी है USD वो कहाँ से ड्राइव होगी, कंपनी कोड करेंसी से पोस्टिंग डेट के ऊपर, तो यही वहां पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सेटिंग मस्ट है। अब हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन पोस्ट किस पे होती है हमारी, FD50 पे करते हैं या FD02 पे आप कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2033 को करेंसी INR, जो डॉक्यूमेंट है वो किसमें है हमारा, पहला डॉक्यूमेंट किसमें है, INR में। तो पहली एंट्री हम कर रहे हैं, कंपनी कोड हम चेक चेंज कर लेते हैं XP 21, तो फर्स्ट एंट्री है कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पर लेंगे हम कैश और कैपिटल का जीरो। यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट कितना से, 5 5 लाख, और यहाँ पर डाल देंगे 5 लाख एंटर, डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2023। हो गया, इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है, और इसको यहाँ से पोस्ट कर देंगे, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, फाइल डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हो गया। सेकंड पोस्ट करते हैं, सेकंड डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं हम, सेकंड क्या है हमारा, परचेज। परचेज टू कैश कितना है, 60,000, तो परचेज टू कैश का GL है हमारा, तो परचेज हमारी डेबिट हो जाएगी और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 60,000। ओके, और यहां पर अब देखिए यहां पर मांग रहा है हमारा कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर डाल देंगे हम एंटर, और इसको हम कर देंगे पोस्ट। थर्ड एंट्री करते हैं, थर्ड एंट्री क्या है हमारी, थर्ड एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स इन कैश 80,000। ओके, तो ये भी हमारा INR में है, तो सोल्ड्स सेल और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट कैश डेबिट, और यहां पर हो जाएगा कितने से, 80,000, और यहां डाल देंगे हम 80 एंटर। अब नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी, पेड रेंट इन कैश, तो रेंट पेड करनी है हमें, ये भी INR में है, तो रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा कैश क्रेडिट कितने से, 25,000। ओके, तो कॉल सेंटर डाल देंगे HR एंटर। ओके, एंड अब जो नेक्स्ट है हमारी, सैलरी पे करिए कैश में 10,000 AED। AED का पहले हमें कन्वर्जन सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, /NOB08 में आएंगे, यहाँ पर हमें न्यू एंट्री करनी पड़ेगी और यहाँ हमें एक्सचेंज रेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो एम है किस डेट का कर रहे हैं हम, 1 अप्रैल 2023। फर्स्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप AED to INR और INR to AED दोनों मेंटेन करेंगे, तो पहले हम कर रहे हैं AED to INR। ओके, कितना, 22। अब दूसरा मेंटेन करते हैं एम, सेम डेट का,
इस बार हम कर रहे हैं INR 2 AED। अब क्या आएगा? इनडायरेक्ट कोटेशन, क्योंकि डिवाइड होगा। ओके, यहां डिवाइड और यहां क्या होगा? AED टू INR 22, और इसको हम सेव कर देंगे। बैक आएंगे, चेक करते हैं एम करेंसी AED टू INR और अप्रैल 2023। देखिए, AED टू INR मेंटेन्ड है हमारी, और अगर हम चेक करते हैं INR टू AED, ये भी मेंटेन्ड है हमारी। ओके, अब हम ट्रांजिशन पोस्ट करके देखते हैं। एफडी 50 में 1 अप्रैल 2023 किसमें ट्रांजिशन पोस्ट होगी? डॉक्यूमेंट करेंसी क्या है? AED। ओके, और यहां पर डाल देंगे। अब यहां पर आएगा हमारा, क्या पे कर रहे हैं हम? सैलरी। कितनी सैलरी क्या होगी? डेबिट। और कैश हमारा क्रेडिट कितने से? 10,000। ओके, यहां पर क्या होगा? HR एंटर करेंगे। अब देखिए, इनने ऑटोमेटिकली जो है डॉक्यूमेंट करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, जो मैंने आपको यहां बताया था। 10,000 कितना हो गया? 2,20,000। देखिए, ऑटोमेटिकली इनने यहां पर इसको कन्वर्ट कर दिया लोकल करेंसी में। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो हमने सेटिंग की हुई थी। पोस्ट कर देंगे, इसी तरह से हम आगे के डॉक्यूमेंट पोस्ट कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट पोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अब हमें रिपोर्ट चेक करनी है। तो रिपोर्ट के लिए हमारा एक टी कोड होता है, ये वाला S_PL0_H। अब इसमें हमें एक काम और करना है, जो हमने एक्सचेंज रेट डिफाइन करे हैं उसमें हमें OB08, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एम और एम, हमें 1 अप्रैल के यूएसडी टू, कौन सा है हमारा? यूएसडी टू INR, USD टू INR रेट कितना है? 81, ये मेंटेन करना पड़ेगा। और डिवाइड के लिए इनडायरेक्ट कोटेशन INR टू USD, तो ये हम मेंटेन करेंगे उसे सेफ। तो ये हमारा हो गया ग्रुप करेंसी के लिए कन्वर्जन, हमने यहाँ सेट कर दिया। अब हम अपने टी कोड पे जाएंगे, ये वाला। तो इस पर्टिकुलर पाथ पे जाएंगे, S_PL0860000030 एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे, ये क्या है? GL अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए। तो करेंसी किस करेंसी में हमें चेक करना है? डॉक्यूमेंट में कंपनी कोड, तो पहले हम कंपनी कोड करेंसी में चेक करते हैं, HP21। ओके, और किस लीडिंग लेजर का चेक करते हैं? 0L का सेट किया है अभी हमने, पोस्ट पीरियड का, फर्स्ट पीरियड का बैलेंस हमें चेक करना है। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए, डेबिट जो हमने ट्रांजेक्शन डेबिट में जो बैलेंस डेबिट में है, वो डेबिट में शो होगी, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में शो होगा। ठीक है, यहां पर हमारा किस करेंसी में आ रहा है? हमारा ये कंपनी कोड करेंसी INR। ओके, देखिए, जो हमने एंटर करे 2,20,000 ऑटोमेटिक यहां पर आ गया। देखिए, जो हमने यहां पर मेंटेन किया है वही यहां शो हो रहा है। ओके, इसके अलावा अगर हम यही रिपोर्ट देखना चाहते हैं किसमें? ग्रुप करेंसी में सपोज, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारी कन्वर्ट हो गई। देखिए, ग्रुप करेंसी में, आप जो मैंने यहां पर आपको दिखाई है, देखिए यही कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें? ग्रुप करेंसी US डॉलर। तो US डॉलर में अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो US डॉलर में चेक कर सकते हो, लोकल करेंसी में करना है लोकल, डॉक्यूमेंट करेंसी में करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम करेंसीज के साथ को मेंटेन करते हैं। तो ऑलवेज आपको डॉक्यूमेंट करेंसी लोकल
करेंसी एंड ग्रुप करेंसी, ये तीन हमारी मस्ट है जो किसी भी, अगर आप लाइव एनवायरनमेंट में काम करोगे तो ये यूज होंगी। डॉक्यूमेंट करेंसी कौन सी होगी? जिस पर हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट हम किसी भी करेंसी में पोस्ट कर सकते हैं, बट उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी लोकल करेंसी, और लोकल करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें अपने ग्रुप करेंसी। तो आज की क्लास में इतना ही, मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।